माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी गाइस? तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, वीडियो को बेल आइकन के साथ प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहेगी। और मेरे लाइव की भी लाइव टाइमिंग 9 PM to 11 PM है, सो आप लोग मेरे लाइव में आया करिए, मुझे फुल सपोर्ट करिए। और गाइस आप लोग कैसे हैं बताइए, कमेंट ज़रूर करिए। और यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं सब्जी वगैरह बना चुकी हूँ किचन में। अभी रोटी बना रही है मेरी देवरानी। और आप देख सकते हैं गाइस, आज मेरे हस्बैंड जी सो रहे हैं और ये उठने का यहाँ पे नाम नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे मेरा बाबू भी सो रहा है और ये जैसे ही मेरा ब्लॉग देखा फिर सजाई से चेहरे को ढक लिया इसने। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी को सिर में हो रहा है गाइस दर्द, क्योंकि इनको हेलो बाबू उठो, ओ बाबू क्या हुआ, हेलो तो कर लीजिए, सुबह सुबह आप क्या जा रहा है, ये कैसा हेलो है आँख खोल के। गाइस मेरे गुड्डा का सिर दुख रहा है आज, प्यारा गुड्डा का। और ये गुड्डा का क्या हो रहा है, ये गुड्डा को खांसी हो गई गाइस, मेरे दोनों गुड्डे बीमार हो गए। ये बड़ा गुड्डा, ये छोटा गुड्डा, छोटा गुड्डा हेलो तो करो, ओ छोटा गुड्डा। अरे छोटा गुड्डा भी नहीं देख रहा गाइस, सिर्फ हाथ हिला रहा है, इसको खांसी हो गया छोटे गुड्डे को और बड़े गुड्डे को सिर में दर्द हो गया है। गाइस एक्चुअली में बात ये हुई है, मेरे बड़े गुड्डे को क्या हुआ, इनको चाय पीने की आदत है और ये चाय शाम की नहीं पिए थे, ये आए थे लेट नाइट और इनकी गाड़ी जैसे ट्रैफिक में फंस गए थे 2 घंटे, फिर लेट हो गया, फिर इन्होंने चाय नहीं पी और रात में आए 12 बजे, तो फिर खाना खा के लेट गए। अब ये सुबह से जैसे मैं सोई थी रजाई में कानों में आवाज़ आ रही, मेरे सिर दुख रहे, मेरे सिर दुख रहे, जल्दी से दवाई दो मुझे सिर दुख रहे, ऐसे आवाज़ आ रही थी सुबह से। मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। गाइस मैं आप लोग को बात बता दूँ ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को वही आदत हो गया, जैसे सुबह शाम वाली चाय ना पिए ना, जैसे सुबह में 6 बजे चाय ना पिए और रात शाम को 5 बजे, 5 बजे नहीं मिली चाय और सुबह के 6, इसके बाद तो हम दोनों लोग के सिर में यार इतने सिर दर्द होते हैं कि क्या बताएं। तो वही अभी सुबह उठे तो इनको बिस्किट और चाय दे के मैंने इनको दवाई दी है और अभी ये आराम करें, थोड़ा आराम करेंगे फिर तो जाएंगे कोर्ट। तो अभी देखिए इनकी हालत थोड़ी ख़राब हो रही है, चाय ना पीने की वजह से हम दोनों की हालत इतनी ख़राब हो सकती है। कमेंट करिएगा और आप लोग को क्या आदत है चाय की, पर मैंने ना इसी चीज़ से सबक ले लिया है, मैंने बाबू को चाय देनी बंद कर दी है, इसको चाय मैंने दी ही नहीं है शुरू से। मम्मी हमारी बोलती थी दे दो चाय, जैसे पी रहे हैं साथ में बोलती थी दे दो चाय, फिर मैं नहीं देती थी इसको, इसलिए नहीं देती थी कि जैसे आदत हो जाएगी मेरी। तो मम्मी को अपनी मायके में थी तो मैं अपनी मम्मी को चाय देती थी, जैसे सुबह सुबह बैठती देती थी तो उसी, मेरी मम्मी है ना हर चीज़ के नौकर रखी हुई है, पर चाय और खाना किसी के हाथ से नहीं खाती, मेरे हाथ से खाती थी। तब तो भाभी लोग देती हैं या फिर अब समय के साथ इंसान बदल जाता है ना, तो मेरी भी आदत हो जाती थी चाय पीने की, तो वहाँ से तो वो आदत लगी थी। और यहाँ आई तो अपने पापा जी को चाय देती थी सुबह शाम टाइम से, ससुर जी को तो मेरी चाय वाली आदत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी फिर हिलने लगे, अभी आराम हो रहा है तो मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रही हूँ, इनको दिक्कत हो रही बाबू थोड़ी। देखिए मेरे हस्बैंड जी ना आके जब उठेंगे ना तो मैं उनके कपड़े जो उलेन वाले थे पहनने वाले इनर वगैरह और जो सॉक्स वगैरह ना मैं हीटर के पास रख दी हूँ, थोड़े से गर्म हो जाएंगे ना फिर वो पहन लेंगे तो उनको अच्छा अच्छा फील होगा, तो इसीलिए ना मैंने लगा दिए थे। और वैसे भी उनकी तबीयत 1 जनवरी से ही थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है गाइस। तो हमारे हस्बैंड जी की बाइक थी ना वो बहुत गंदी हो गई थी, तो मैं यहाँ पर उनकी बाइक धो रही हूँ सुबह सुबह, सुबह के बज रहे थे 7 और मैं यहाँ पे बाइक धो रही थी और इसके बाद हम दोनों लोग कोर्ट जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी की तबीयत भी ख़राब है, उनसे ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता है गाइस, वो नहीं काम कर पाते हैं, फिजिकल नहीं मेंटली काम करते हैं और इतना वकील है ना, इतना उन पर स्ट्रेस रहता है कि कुछ नहीं कर पाते, तो मैं कर देती हूँ।
तो उनकी बाइक काफ़ी दिनों से बहुत खराब, बहुत गंदी हो गई थी। तो मैं वैसे तो सर्विसिंग करवाते हैं, लेकिन मैं धो देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इस पर डस्ट वगैरह रहते हैं ना। तो कहा जाता है जिससे आदमी प्यार करता है या फिर जिसको बहुत प्यार करता है उसकी चीज़ों से भी बहुत प्यार करता है। तो मुझे अपने हस्बैंड जी की हर चीज़ों से भी प्यार है। जैसे उन्होंने ख़रीदी है ना बाइक, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे हस्बैंड जी की बाइक है, गंदी हो गई है, तो ऐसा लगता है कि हस्बैंड जी गंदे हो गए हैं, ऐसी फीलिंग आती है। तो आप देख सकते हैं उनकी बाइक कितनी साफ़ हो गई है। हेलो गाइस, तो देखिए मैं साड़ी के लिए तैयार हुई थी, तो आज मैंने साड़ी वेयर किया था, तो अभी हाफ ही शर्ट मैंने बनाया था, ऐसे हाफ बनाया था। तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। मेरा बाबू मुझे नहीं दिखा रहा गाइस, तो मैं आपको मिरर में अपने को दिखा रही, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। मेरा बाबू मुझे नहीं हेल्प कर रहा गाइस, आप देख सकते हैं और कमेंट करके। हे गाइस, तो मैं कोर्ट से आने के बाद पहले तो शॉर्ट वीडियो बनाया, इसके बाद कपड़े मेरे स्पिनर में पड़े हुए थे तो ये ड्राई हो चुके थे, बस थोड़े से हवा से सूख जाएंगे, तो मैंने कपड़े डालने शुरू कर दिए हैं। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, बाय बाय।